हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि मेकअप करके मेरा जस्ट हुआ है। मतलब कि ये रमज़ान के दिन में जब वीडियो बना थी तब मैंने जस्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ पे मैं मेकअप अभी रिमूव कर रही हूँ गाइस। तो रात के करीबन 1:15, मतलब 12:59 हो रहे हैं। मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि पंखे की आवाज़ से आप लोगों को मतलब कि आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी, इसके लिए मैंने म्यूट कर दिया। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो घर में सब सो गए थे गाइस और मैं अकेले जग के यहाँ पे वीडियो बना रही थी उस रात को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो मतलब चालू है। और आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा कि नहीं गाइस, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। थैंक यू सो मच, आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। कुछ लोगों के कॉमेंट्स भी आते हैं गाइस, सॉरी कॉमेंट आते हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ प्रवीण कुमार को, जो मुझे मेरे हर एक वीडियो में मुझे कमेंट करते हैं, तो वो हमेशा कमेंट करते हैं, तो इसलिए उनको थैंक यू बोलना है गाइस, मुझे। रात के 2 बज रहे हैं, अभी भी खाना खाने जा रही हूँ। यहाँ पे बर्तन नहीं घसा है क्योंकि रात बहुत हो गया था, मैं शूट कर रही थी वीडियो। आप अंधेरा देख सकते हो, मैं आपको अंधेरा दिखाती हूँ। बहुत अंधेरा है गाइस, मेरी आवाज़ सुन लिया आप लोग? मैं कैमरा टर्न करती हूँ। अभी तक मैंने गाइस, आप देख सकते हैं टाइम कितना हो गया है। और गाइस, यहाँ पे मैं आप सबको एक अच्छा सा वीडियो मतलब कि चीज़ लेके आई हूँ। आपको मेकअप रिमूव करने के लिए कोई रिमूवल की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगे प्रोडक्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता कि कोकोनट ऑयल कितना मतलब अच्छा होता है स्किन के लिए, बालों के लिए। तो यहाँ पे मैं हमेशा इसी से यूज़ करती हूँ, इसका यूज़ करती हूँ। मैं किसी महंगे प्रोडक्ट की तरफ मतलब वो हमें वो स्किन चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो हमारे स्किन को हार्म ना करे। और जो लोग मेकअप करते हैं तो उनको स्किन केयर रूटीन में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे 1:45 बज गए थे गाइस, तो लेकिन फिर भी मैं मेकअप निकाल के और अपने स्किन केयर करने के बाद ही मैं सोई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कोकोनट ऑयल कॉटन में लिया और उसके थ्रू मैंने पूरे मेकअप को रिमूव कर लिया। कितना ईजिली वो निकल भी जाता है गाइस। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा मतलब तरीका है अपना मेकअप निकालने का, तो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। आपने कई सारे यूट्यूबर्स को भी देखा होगा शायद तो। और मुझे मतलब कि जो कोकोनट ऑयल है वो आपको भी पता है कि कितना फ़ायदा करता है हमारी स्किन के लिए। तो यहाँ पे मैं मेकअप निकाल चुकी हूँ अपना और फेस वॉश कर लिया थोड़ा सा, हालांकि लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे आँख के नीचे थोड़ा सा दिख रहा है। तो अभी मैं स्किन केयर करते समय तो नहीं दिखाई क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो बस इतना ही। और सब सोए हुए थे आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अभी जस्ट इस क्लास में चाय ब्लैक के लिए क्लास में चाय पी रही थी और मैगी खाया सुबह 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 तो नहीं बोल सकती, 11 बज गए। आज संडे है तो मैंने उस दिन रात को ब्लॉग किया था। आप जब भी वीडियो देखेंगे आपको समझ जाएगा, आप इसके पहले ही वो वीडियो देखेंगे, क्लिप देखेंगे। तो उसके बाद डायरेक्ट आज मैं फ़ोन उठा रही हूँ। मैंने जो रमज़ान के लिए वीडियो शूट किया था अभी तक मैंने मतलब कि यूट्यूब पे नहीं डाल पाई क्योंकि उसका एडिटिंग बाकी है और कुछ रीज़न से उसकी वजह से गाइस। और अभी आज बहुत सारे काम है, मैं एक्चुअली जब भी ब्लॉग करती हूँ तो मैं काम है बहुत करती हूँ, पर समटाइम्स जब मैं बोलती हूँ ना कैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, जब भी मुझे याद है कि 31 मार्च के बाद, और 31 मार्च जब भी 31 जैन था तो मैं ब्लॉगिंग कर रही थी सुबह यहाँ पे कि मुझे ये बनाना है, मुझे वो करना है। तो मम्मी जब सुने कि इसको काम है यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने वाली, तो मम्मी खुद ही सारा काम कर चुकी थी। मैंने शायद ही कुछ थोड़े बहुत काम किए थे, फिलहाल अभी तो कोई नहीं है और मैं अकेली हूँ घर पर। तो आज हमें बहुत आज बहन वापस से, जो मेरी सिस्टर है वापस से, वो लहंगा चेंज करने जाएगी उसका, वो होने के बाद वो थाना जाएगी तो उसको और भी शॉपिंग करनी, थोड़ी बहुत जो बची हुई चीज़ वो भी करेंगे हम। शायद मैं ना जाऊँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करना है और मुझे आज कैसे भी अपलोड करना है वो वीडियो रमज़ान का, तो मैं वो काम करूँगी। और हमें वैक्स करना है हमारे हाथ के, देख सकते कैसे हो गए, तो मुझे वैक्स करना है, इतना ही बोलना था गाइस। और कैसे चल रहा है आप लोगों को प्लीज़ बताइए। बस कुछ दिन बचे, हम यहाँ से जाने वाले हैं गांव, और मेरा ट्रेन का जो जर्नी होगा उसे भी शेयर करूँगी। और अभी खाना बनना बाकी है, मेरी बहन खाना बनाएगी, हम अभी काम करेंगे, खाऊंगी बोल रही है, वो ऐसा बोलना चाहती है, इंटेंशन ये है कि तू बस बैठ के खाओ मैं काम करूँ। डाउट
चलो बाय गाइस, बाय करना है, चले लोग है, बाय गाइस बाय। और गाइस मेरे पिछले वीडियो में शायद मैंने आपको लिप ग्लॉस दिखाया था, तो वो मैंने प्रॉफिट मार्केट से लिया था, तो मुझे कभी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया था, तो मुझे थाना मार्केट में ही दिखा था, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। कुमार कलेक्शन के ठीक सामने एक अंकल लगाते हैं, तो उनके पास आपको इजीली मिल जाएगा जामीनाका मार्केट में। तो वहाँ पे हमने वहाँ से एक और लिया था, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर है उनको चाहिए था, तो मैंने उनके लिए लिया था। उसके बाद रात को आने के बाद हमने घर पर डोसा बनाया था और कुछ खाने का। तो यहाँ पे आप देख सकते, थोड़ा सा मैंने दिखा दिया क्लिप कि हम मैंने क्या पूरे दिन में क्या क्या किया। तो यहाँ पे हम खाना रात का डिनर तैयार कर रहे थे, मैं नहीं कर रही थी, मेरी सिस्टर कर रही थी, तो यहाँ पे हम खाना खाने के लिए तैयारी हो गई थी। और उसके बाद गई मतलब कि शादी का टाइम चल रहा है, मतलब तैयारी बहुत सारी करनी बाकी है, तो हम रात रात को थोड़ा जग भी रहे थे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरी सिस्टर देखो देखो रात को करीबन 2 बज के जा रहे थे, और वो कपड़े सिल रही थी मेरे ब्लाउज। तो अगर आपको ब्लाउज की भी कोई वीडियो चाहिए होंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा सिला है जो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए ब्लाउज पर्सनली सिला है, बहुत ही खूबसूरत है, और मेरे वीडियो के थ्रू आपको तो दिख जाएंगे वीडियो में ज़रूर। तो यहाँ पे अभी मैं आज के दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और गाइस मैं यहाँ पे बहुत से ऐसे चीज़ें दिखा रही, जो मैं मेरी शादी मतलब मेरे भाई की शादी है, तो उसे अपडेट सब कुछ दे रही हूँ मैं, ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सके गाइस। तो फिर करीबन शादी के एक दिन पहले हम वापस शॉपिंग के लिए गए थे, मैं मेरा भाई और मेरी सिस्टर। तो यहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे थे, कुछ कपड़े लेने थे भाई के मेरे और हम सबके लिए कुछ ना कुछ लेना था, तो आखिरी दिन तक हम शॉपिंग करते रह गए थे। और ये तो सबको ही पता है, शादी वाले दिन तो शादी के दिन तक शॉपिंग होती ही रहती है, ख़त्म ही होती है। तो यहाँ पे हमें कुछ कपड़े लेने थे, तो हम कपड़े लेने गए थे। तो यहाँ पे ये थाना मार्केट का है गाइस, और जो मेरा भाई भाई मतलब भाई के भी कुछ कपड़े जो वहाँ से आए हैं, आई थिंक उस शॉप का नाम मैं आपको बता देती हूँ, थाना मार्केट में ही है। पापा का कुर्ता भी वहीं से आया है, बारोन करके, बारोन मेंस एंड बॉयज वेयर करके ऐसा कुछ तो है शॉप का नाम। तो वहाँ से हमने भाई के मतलब कुछ कपड़े लिए थे, पापा के कुर्ते वहाँ से लिए थे, काफ़ी अच्छा शॉप है वहाँ पे, आपको रिजनेबल प्राइस में मतलब अच्छे से मिल जाएंगे। और फिर थाना मार्केट में भाई के लिए शूज़ भी लेने थे हमें, तो हमने वो भी लेने के लिए गए थे। तो वहाँ का भी रिकॉर्डिंग कर दिया था कि हाँ मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहती थी। यहाँ पे आप देख सकते, मेरा भाई, मैं और मेरी बहन गए थे। तो मुझे ऑफिस की छुट्टी भी नहीं मिली थी, तो फिर मैं ऑफिस के साथ ही वहाँ से डायरेक्ट चली गई थी। गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि वीडियो का एंड कर दूँ, और मैं आप सबको बता दूँ कि मुझे नहीं पता ये वीडियो शायद लेट जाए, पर जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मतलब कि आज के दिन हम गाँव जा रहे हैं, और शायद मे भी ये कुछ दिन बाद ये वीडियो जाए, तो अभी बस मैं इसलिए मतलब आई हूँ क्योंकि मुझे वीडियो का एंड करना था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा एंड करते समय में थोड़ी सी बात हो जाए हमारी, तो अच्छा होगा, तो इसके लिए मैं जस्ट आई हूँ। और मैंने जो इस ब्लॉग में दिखाया वो रेंडमली मतलब कि नॉर्मल छोटे मोटे चीज़ें जो मैंने शादी से रिलेटेड जो भी हमारा काम हो रहा है, कैसे हम क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा सा वो अपडेट किया है। तो होप्स मतलब आई होप सो कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट डाउन कीजिए कि आप लोग को अच्छा लगा। और गाइस आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते गाइस कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, अगर कुछ कमी लगती तो वो भी मुझे बोलिए कि आपकी वीडियो में ये ऐसा है। तो अभी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।